तो टीचर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने फरुखाबाद में भरतपुर ब्लॉक के स्कूलों का जायजा लिया और पाया कि हाजिरी रजिस्टर पर लगाई जा रही है, न कि ऑनलाइन। आपको बता दें, देखिए जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस समय हम फरुखाबाद के भरतपुर ब्लॉक में खड़े हैं, जहां पर जो शिक्षक हैं वो यहां पर समय से आ गए हैं और अपना विद्यालय संचालित कर रहे हैं। बच्चों को पीटी और जो और उनकी गतिविधि है वो करा रहे हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर को लेकर उनका क्या विचार है और वो किस तरीके से बात करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? नहीं सर, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जो कुछ सामान्य समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो हम इसके लिए मना नहीं। किस तरीके की समस्याएं हैं जो सरकार सुलझा? भाई जैसे कुछ, अब हमारा विद्यालय तो चलिए ठीक है, सही है, अच्छी जगह पर है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर है जहां पर पानी भर जाता है, टीचर क्या करे, कैसे पहुंचे वहां तक, सवारी तक नहीं निकल पा रही है। कई वीडियो ऐसे प्रसारित हो रहे हैं कि टीचर गेट बंद है, पानी आधा भरा हुआ और वो छाती तक पानी और वो वहाँ से डिजिटल हाजिरी देने के लिए तैयार होगा। इंटरनेट की भी कोई समस्या ऐसी है? इंटरनेट की तो सबसे बड़ी समस्या, ऐप चलते ही नहीं है, तीन तीन घंटे तक केवल राउंड राउंड होता रहता है, तब तक कब तक इंतजार करें, वहाँ टाइम तक हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट की भी है इनके साथ, जो इंटरनेट नहीं चलता जिस वजह से इन लोगों को डिजिटल सिग्नेचर करने में परेशानी हो रही है। फरुखाबाद से जी मीडिया के लिए अरुण सिंह। एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जो कुछ सामान्य समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो हम इसके लिए मना नहीं। किस तरीके की समस्याएं हैं जो सरकार सुलझा? भाई जैसे कुछ, अब हमारा विद्यालय तो चलिए ठीक है, सही है, अच्छी जगह पर है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर है जहां पर पानी भर जाता है, टीचर क्या करे। वहीं सहारनपुर में भी टीचर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे, काली पट्टी बांधकर डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। एक्शन भी ले रही है बावजूद इसके टीचर भी। प्राथमिक विद्यालय में आप देख सकते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय खुल चुका है, बच्चे आ चुके हैं, प्रार्थना हो गई है। यहाँ पर टीचर हैं, उनसे हम बात करते हैं जो काली पट्टी बांधे हुए हैं। ये काली पट्टी उन्होंने क्यों बांधी है, क्या वजह है? जी आपका नाम? मेरा नाम तनुजा है, मैं प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन की प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य करती हूँ। मैडम ये आपने काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? ये मैडम ये डिजिटल अटेंडेंस का हम विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे विद्यालय का बहुत समय बर्बाद होएगा और दूर दराज के क्षेत्रों में जाने वाले टीचर्स को बहुत परेशानी हो सकती है। इसके कारण कई एक्सीडेंट केस भी हो रहे हैं आजकल इसी कारण से, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो समय पर विद्यालय जाने में क्या बुराई है? आप समय पर आइए, अपना डिजिटल अटेंडेंस लगाइए, उसमें क्या, जैसे आप साइन करते हैं वैसे डिजिटल? जी मैम, ये जो फोटो खींच के जाना और ये सब करना, एक तो पहली बात हम लोग को ये सब चीज़ों में हम परफेक्ट नहीं, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए विद्यालय नियुक्त किए गए थे, ये अन्य कार्यों में हमें लगा दिया गया है। अब उसके बाद अब ये फोटो खींचना और ये सब अपलोड करना, संख्या आप मांग लो, हम डिजिटल में वो संख्या देने को तैयार है, इतने टीचर हैं इतने नहीं है, जैसे हम अटेंडेंस लगाते हैं अपनी, पर ये फोटो करना, कभी नेट आ रहा है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, 5-10 मिनट लेट हो गए, उसमें ये लोग हम लोग को अनुपस्थित घोषित कर देंगे क्योंकि हम डिजिटल नहीं लगा पा रहे। आप ऐसे ही रजिस्टर में? हाँ जी, मैं रजिस्टर में ही लगा रही हूँ, क्योंकि जब हेड करेंगे तभी हमें कम कर सकते हैं, मेरा तो कोई लिखित कार्य के में कोई योगदान नहीं है इसमें। अच्छा, आपको डिजिटल में कोई परेशानी नहीं है? जी मैडम, परेशानी तो नहीं है कि भाई सब जब लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक मैडम अपने हिसाब से देखेंगे तब तक अभी नहीं लगा रहे। यहाँ पर स्कूल में पूरी तरह से काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है डिजिटल अटेंडेंस का। उनका कहना है कि वो उनकी समझ के परे है, उनको अध्यापन का कार्य दिया गया है और वही करना चाहते हैं, ये डिजिटल अटेंडेंस नहीं करना चाहते और इस आदेश को वापस लिया जाए, और इसी के फलस्वरूप ये काली पट्टी लगाकर लगातार अपना विरोध कर रहे हैं और बाकायदा ही रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। नीना जैन, जी न्यूज़, दोबारा का। गानपुर देहात में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षक लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ अकबरपुर कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई। टीचरों का कहना है कि टेक्निकल इशू या रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने भेदभाव के साथ प्रक्रिया शुरू की।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रसिद्ध विद्यालयों में अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की। ये प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो गई थी, लेकिन किसी भी प्रदेश के किसी भी विद्यालय में अटेंडेंस नहीं लगाई गई। लगातार जो अध्यापक हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चालू है। जो अध्यापक हैं वो भी समय से स्कूल पहुंच रहे हैं और बच्चे पहुंच रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। बस ये है कि जो डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया है, क्योंकि अध्यापक लगातार उसके विरोध में है, तो उन्होंने इस पर कोई अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई गई है। पढ़ाई एक तरह से चालू रखे हैं तमाम जो अध्यापक हैं, क्योंकि अब इसका निदान क्या है, क्योंकि ये सरकार और अध्यापकों का मामला है। कई बार बातचीत हुई लेकिन इसका मसला हल नहीं हो पा रहा है। अध्यापक हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, किस तरीके से इससे निदान मिलेगा। सर अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है तो क्या? नो कमेंट। अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे? नो कमेंट। तो नो कमेंट्स कह रहे हैं, मतलब एक तरह से इनका कहना है कि अभी डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई गई। जो भी इनका संगठन का कहना हो उस तरीके से ये कर रहे हैं। और तमाम क्लास हैं, क्योंकि ये कंपोजिट विद्यालय है अकबरपुर का, जो खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है वो भी इसी प्रांगण में पड़ता है। तमाम जो अध्यापक हैं वो पढ़ाई करा रहे हैं, शिक्षा सुचारू रूप से चालू है। यहाँ पे बैठे भी हैं, बच्चे बैठे हैं, मैम है वो पढ़ा रही हैं, क्योंकि सुबह से ही स्कूल समय जो है 8 बजे का निर्धारित समय पे स्कूल खुले हैं। और क्या वजह रहती है, क्या निदान इसका निकलेगा, वो मैडम से बात करते हैं। नहीं, अटेंडेंस तो लगाते ही है, रोज लगती है अटेंडेंस। और डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू हुई है उस तरीके से, अभी 8 तारीख से शुरू हुई, अभी एक बार लगी है? नहीं नहीं, अभी लग नहीं पाई है। एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू है। और मतलब आप तो ये लोग जानते ही हैं कि मतलब फोन है, आप कोई टेक्निकल चीज है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह वो सक्षम नहीं है कि अब उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है और अटेंडेंस नहीं गई तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम आई, सीधे वेतन कटेगा। तो ये टेक्निकल इशू है, लेकिन इसका एक साइड में भी होना चाहिए कि अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई इस तरीके से। वहीं बदायूं जिले में भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें डिजिटल हाजिरी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे ही स्कूलों का हाल जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंची और टीचरों से खास बातचीत की। देखिए हमारी रिपोर्ट। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जो टीचर हैं वो सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, अगर डिजिटल अटेंडेंस को लागू किया जाता है तो पहले कुछ समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। हमारे साथ ऐसे ही एक शिक्षिका हैं जो अपनी समस्या को जी के सामने रखने आई हैं। हम उनसे पूछते हैं, मैडम तो डिजिटल अटेंडेंस जो अभी शुरू की गई है तो क्या दिक्कतें आने वाली हैं टीचर्स को, थोड़ा सा उसके बारे में। हम ऑनलाइन अटेंडेंस को मना नहीं कर रहे हैं, हमारा टीचर डेली आता है, टाइम से आता है। आप तो देखिए स्कूलों की स्थिति कितनी अच्छी हुई है, पर हमारी समस्याएं भी बहुत है। मान लीजिए स्कूल काफ़ी दूर है, हमारी संख्या महिलाएं देखिए जो बेचारी सुबह ही घर से निकल जाती हैं, दो दो तीन तीन सवारियाँ बदल के वो दूर स्थानों पर पहुँचती हैं जहाँ कोई सवारी नहीं जाती है। मान लीजिए वो ऑटो में बैठी हैं, ऑटो जब तक फुल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं चलेगा। फिर आप उस बात को छोड़िए, देखिए सुबह को हमारे यहाँ प्रमोशन तक नहीं हुए हैं, हेड नहीं है, इंचार्ज बना दिया गया है अध्यापकों को। ये बताइए, सोमवार को बच्चों को केले लेने होते हैं, बुधवार को दूध देना होता है, अब वो केले ले रहा है, उसे 5-10 मिनट लेट हो गए, हम अनुपस्थित हो जाएंगे, हमारा वेतन कटेगा। हम सरकार से बस इतना चाहते हैं, पहले हमें सिक्योर करें। हमें देखिए हाफ हमारे लिए CLE, मान लीजिए मैं स्कूल आ रही हूँ, मेरा ऑटो पलट गया या टायर पंक्चर हो गया उसका, तो कम से कम मैं अनुपस्थित तो नहीं हूँगी, मैं अपनी हाफ CL लगा दूंगी और स्कूल पहुँच जाऊंगी। वहीं चित्रकूट में भी शिक्षकों ने सरकार के डिजिटल हाजिरी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। ही रहेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, हम महिलाओं के साथ भी हैं। अगर महिला हेडमास्टर है तो उसको सारी MDM की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो लेकर के ही ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, पानी भरा है स्कूल में, समय पर नहीं पहुंच सकती। और यदि हम पहुंच जाते हैं और मान लीजिए नेट काम वहां पे नहीं कर रहा है तब तो हमारा वेतन कट ही जाएगा। तो हमें मानसिक टेंशन दिया जा रहा है इस मामले में, हमें इससे मुक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षकों पर पहरा तो लगाना चाहती है लेकिन उनको सुविधाएं नहीं देती, जिसके चलते यहाँ के बेसिक शिक्षक डिजिटल उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। हम चित्रकूट के एक बेसिक स्कूल में खड़े हैं, यहाँ शिक्षकों से जानते हैं आखिर क्या वजह है, कौन सी सुविधाएं नहीं मिलती जिसकी वजह से वो डिजिटल उपस्थिति का विरोध करते हैं। मतलब क्या वजह है, क्यों डिजिटल उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं हम लोग?
मैं आपको बता दूँ, हम डिजिटल उपस्थिति का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम डिजिटल उपस्थिति तब तक नहीं देंगे जब तक जो हमारे ये मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको पूरा ना किया जाए। कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि हमको भी राज्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएँ प्रदान की जाए। शिक्षक को वेतन के अतिरिक्त और कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे शिक्षक अपने परिवार का अपना मतलब भरण पोषण पालन कर पाए। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ टाइम एंड मोशन लागू है, हम समय के बाद ही कोई बात अपने लिए कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है, किसी टीचर की तबीयत खराब होती है, तो टाइम एंड मोशन से हम ऐसे बने हैं कि उनका कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। कोई ऐसी ज़रूरत है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं नहीं जा सकता, क्या ये अन्य कर्मचारियों में या अन्य अधिकारियों में लागू है? ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फरुखाबाद की बात करते हैं। फरुखाबाद में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक खफा नजर आए। भरतपुर ब्लॉक के विद्यालयों को शिक्षकों का कहना है कि संगठन के फैसले के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस करेंगे। नहीं सर, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जो कुछ सामान्य समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो हम इसके लिए मना नहीं। किस तरीके की समस्याएं हैं जो सरकार सुलझा? अब भाई जैसे कुछ, अब हमारा विद्यालय तो चलिए ठीक है, सही है, अच्छी जगह पर है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर है जहां पर पानी भर जाता है, टीचर क्या करे? इस समय हम फरुखाबाद के बलपुर ब्लॉक में खड़े हैं, जहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर समय से आ गए हैं और अपना विद्यालय संचालित कर रहे हैं, बच्चों को पीटी और जो और उनकी गतिविधि है वो करा रहे हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर को लेकर उनका क्या विचार है और वो किस तरीके से बात करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्यों नहीं आप लोग कराए? नहीं सर, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जो कुछ सामान्य समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए तो हम इसके लिए मना नहीं। किस तरीके की समस्याएं हैं जो सरकार सुलझा? अब भाई जैसे कुछ, अब हमारा विद्यालय तो चलिए ठीक है, सही है, अच्छी जगह पर है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसी जगह पर है जहां पर पानी भर जाता है, टीचर क्या करे? गासगंज में भी डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ सरकार के कड़े आदेश के बाद भी शिक्षकों पर आपको बता दें कोई असर नहीं पड़ा, जिसको लेकर आज जी मीडिया की टीम ने गासगंज के पटियाली के परिषदीय स्कूल का रियलिटी टेस्ट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सरकारी स्कूलों के टीचर डिजिटल हाजिरी से अटेंडेंस लगाएं। इसके बाद पूरे यूपी में शिक्षक लोग विरोध करने लगे और आज हम इसी का रियलिटी चेक करने के लिए परिषदीय विद्यालय पहुंचे हैं और शिक्षक संघ हमारे साथ टीचरों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीमती कमलेश। अच्छा, डिजिटल हाजिरी का अटेंडेंस लगा रही हो? अभी नहीं सर, अभी शुरू नहीं किया है। मैम आपने? अभी नहीं किया। नहीं किया आपने? मैम डिजिटल हाजिरी से अटेंडेंस लगा रही हैं आप? जी नहीं लगा रहे अभी। वजह क्या, क्यों नहीं लगा रही? सर इसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं। पहले अटेंडेंस हाजिरी के हम लोग विरोध में नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी की जाए। जैसे कि हमें 14 CL दी जाती है, लेकिन 14 CL में क्या पूरी साल भर की जो परेशानियां हैं वो नहीं निकाल सकते हैं। बाई चांस कि हमारे घर में अगर कोई शोक दिवस हो जाता है तो क्या 13 दिन का शोक दिवस हम 14 दिन की छुट्टी में निकाल सकते हैं? अच्छा, ये समस्या आपकी? जी, उसके लिए हमें EL की मांग की जा रही है। जी मैम, आपने लगाया था? नहीं लगाया सर, नहीं लगाया। क्या मांग थी, क्यों नहीं लगा? नहीं, हम लोग शिक्षक संघ के साथ में है, वो जैसा आदेश करेंगे वैसा हम लोग करेंगे और हम लोगों की जो मांगे हैं वो तो हम लेके रहेंगे। लेकिन शिक्षक संघ है या आप लोग हैं तो डिजिटल जो हाजिरी अटेंडेंस उससे डर क्यों लग रहा है? नहीं डर नहीं, हम लोग टाइम से आते हैं, आप इस चीज की चेकिंग रोज कर सकते हैं, इससे कोई डर नहीं है। लेकिन बात यह है कि कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती है, जैसे हम लोग क्रॉसिंग के उस तरफ से आते हैं, बात बीच में अगर क्रॉसिंग बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? वहां से तो हम ऑनलाइन दे नहीं देंगे कि हम उसके क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। आध घंटे का समय भी तो दिया है, 8 से 8:30 कर दिया है, बताया जाए। अब ट्रेन ने अगर ये कहा है बीच में मालगाड़ी आ जाए तो ट्रेन का टाइम सही है पर मालगाड़ी का टाइम नहीं है फिक्स कि आप उस पे ऑनलाइन देख लें कि देखिए मालगाड़ी आ रही है मैं उससे पहले निकला, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि कन्वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग नहीं आ सके, इतने पास से नहीं हम सब लोग हैं। देखिए आधे घंटे की सरकार ने फिर भी छूट दिया, अब रोज थोड़े आप लेट हो सकते हैं, 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं शिक्षकों के बहानेबाजी। कानपुर के विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का विरोध हो रहा है। यहाँ अध्यापक को कहना है कि हमें बिना ट्रेनिंग के डिजिटल अटेंडेंस लगाने को कहा जा रहा है। शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति को लेकर पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है।
ऐसे में महानिदेशक कंचन वर्मा ने आदेश किया है कि एडी बेसिक और बेसिक शिक्षा अधिकारी आज विद्यालयों में जाएंगे और डिजिटल उपस्थिति कराएंगे। ऐसे में मैं एक विद्यालय मौजूद हूँ, तमाम अध्यापिकाएं मौजूद है, क्या कुछ दिक्कत आ रही, डिजिटल सिग्नेचर आज हुआ है कि नहीं हुआ है, बात करते हैं। मैडम, डिजिटल उपस्थिति आज हुई कि नहीं हुई? नहीं हो पाई। क्या समस्या आ रही है? हम लोग समय से आ जाते हैं लेकिन इसकी कोई परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर दी गई है, इसलिए हम लोग नहीं बता पा रहे। जो जिससे उपस्थिति होनी है वो संसाधन आपको दिए गए? हाँ, टेबलेट दिया गया है। चलता नहीं है। वो चलता नहीं है, नेट नहीं काम करता है यहाँ पे, वो घुमा करता गोला उसका। तो डिजिटल उपस्थिति के मतलब समर्थन में आप है कि नहीं है? समर्थन में तो है लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, पहले इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए किस तरह से किया जाना है, तभी तो कर पाएंगे। संगठन क्या कह रहा है? संगठन कह रहा है हमारी कुछ मांगे मान ली जाए, थोड़ा लोच हो इसमें कि अगर कोई 5 मिनट लेट होता है तो वो अनुपस्थित हो जाएगा, तो हाफ डे लीव की मांग की जा रही है, और भी चीजें मांग, और भी मांग की जा रही है कुछ। मैडम आप बताइए, क्या डिजिटल उपस्थिति के समर्थन में है कि नहीं है? सर सब अभी समर्थन में तो है, बट कम से कम ट्रेनिंग एनिंग दी जाए, हम लोग को पता तो हो, नेट की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई क्या कर सकते। तो आप देख रहे हैं हर जगह हर टीचर के अपने अपने बहाने हैं। मुजफ्फरनगर में भी डिजिटल अटेंडेंस कवरेज जारी है। शिक्षकों ने हाथों में खाली पट्टी बांधकर इस आदेश को काला कानून करार दिया और सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान बताया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से सरकारी विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस लगाने का फरमान जारी किया है, तभी से जो सरकारी टीचर है वे लगातार विरोध कर रहे हैं। हम इस चीज़ का रियलिटी टेस्ट करने के लिए सरकारी विद्यालयों में लगातार जी मीडिया की टीम जा रही है। हम इस समय नियाजीपुरा के जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें पहुँचे हैं और टीचरों का जो डिजिटल अटेंडेंस है उसकी जानकारी के लिए टीचरों से पूछते हैं कि किस लिए वे डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे, किस लिए विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ टीचर मौजूद हैं जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं किस तरह से ये टीचर डिजिटल अटेंडेंस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद खान है। सर साजिद जी, आप कौन से विद्यालय में टीचर हैं? मैं कंपोजिट विद्यालय नियाजीपुरा में सहायक अध्यापक हूँ, यह मेरी कक्षा 3 कक्षा है। साजिद जी, मैं जानना चाहता हूँ जिस तरीके से जो विरोध चल रहा है डिजिटल हाजिरी का, ये विरोध क्यों चल रहा है? देखिए, जब तक शासन हमारी बातें नहीं मान रहा है हम जो है ना इसका विरोध जू का तू करते रहेंगे। शासन अगर हमारी बात मानता है तो हम बिल्कुल शासन की बातों का पूरा कर लेंगे। आपने अटेंडेंस लगाई आज? जी, मैंने अटेंडेंस और वैसे लगाई है रजिस्टर में। डिजिटल हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? डिजिटल हाजिरी के लिए देखिए, जब तक हमारा संघ हमें ये नहीं कहेगा तब तक हम हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। क्या समस्याएं आ रही है? सरकार जो तनख्वाह है वो भी काटने की बात कह रही है अगर डिजिटल हाजिरी नहीं लगाते आप लोग। नहीं देखिए सर, तनख्वाह कैसे काटेंगे? जब मैं यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह कैसे काटेंगे आप? या आपका काटने का औचित्य है? योगी सरकार के टीचरों की डिजिटल हाजिरी को लेकर जैसे ही आदेश जारी हो वैसे ही टीचर लगातार प्रदर्शन, धरना और हाथों पर काली पट्टियां बांधकर तुगलकी फरमान बताते हुए इस जो सरकार का आदेश है उसे उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और जब सरकार का विरोध हुआ तो सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो टीचरों के पास जाएं और उन्हें समझाएं और डिजिटल हाजिरी देने के लिए उनसे आग्रह करें। मेरे साथ कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि सरकार टीचरों को समझाने का किस तरह प्रयास करेगी और किस तरह डिजिटल हाजिरी लगाएगी। जी मंत्री जी, किस तरीके से डिजिटल हाजिरी लगाने का प्रयास कराया जाएगा? सरकार का प्रयास ये है कि समयबद्ध और प्रतिबद्ध तरीके से काम हो, उसमें सरकार भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगभग 18 घंटे काम करते हैं, प्रधानमंत्री बिना छुट्टी लिए पिछले लगभग 10.25 वर्षों से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया और उसी के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, सामान्य जनों के लिए भी, सभी के लिए अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्देश दिया है। उसी क्रम में लग सकता है कि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किया होगा कि सब लोग समय से आए, बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, पर उसको लेकर के अध्यापकों ने नाराजगी व्यक्त की है।